जो चाइनीज अटैक गिप हेलीकॉप्टर है एंड इसकी तरफ हम क्यू आए लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अटैक हेलीकॉप्टर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम उसके बारे में बात करेंगे पाकिस्तान वज पाकिस्तान फर्स्ट स्टार्टेड यूजिंग बेल एच वन कोबराज जो कि अमेरिकन औरजिन के हैं एक डोनल्ड डगलस एफ एम नॉट रॉन्ग उसने uh, या कुछ और कंपनीज थी उन्होंने मिल के इसको बनाया था और हेलीकॉप्टर वॉरफेयर को पाकिस्तान ने एटीज़ में इंट्रोड्यूस किया था हेलीकॉप्टर्स आर अनलाइक अदर एयरक्राफ्ट्स इनके अंदर केपेबिलिटी होती है कि ये हवर करते हैं जो हम देखते हैं ना कि एक जगह ज़मीन से खड़े हुए हैं और फिर उड़ के आगे चले गए और फिर एक जगह पर रुक गए इसको हवरिंग कहते हैं ये एक जेट एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता uh, क्योंकि जो जेट एयरक्राफ्ट होता है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है uh, उसका उसकी जिस तरीके से वो बनाया जाता है उसमें अगर आप हवरिंग को लेके आते हैं जो कि हेरियर्स जो जहाज हैं अगर उनको किसी ने चेक किया हो तो हेरियर्स में भी हवरिंग का एलिमेंट मौजूद है लेकिन उनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि उस हवरिंग में बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न हो जाता है जहाज़ों के अंदर ये टेक्नोलॉजी एक आपको आ, हैरियर्स में नज़र आएगी और उसके अलावा आपको ये कैपेबिलिटी अब जाके एफ़ थर्टी फाइव में नज़र आएगी लेकिन एफ़ थर्टी फाइव में भी इज़ नॉट मेंट फॉर अटैकिंग हवरिंग इसलिए होती है कि कैरियर से या किसी ऐसी जगह जहां पे बड़ा शॉर्ट रनवे हो वहां पे जहाज जो है वो अपने इंजन को नीचे कर ले और दो तीन और जगहों से जहाज के डिफरेंट बॉडी पार्ट से बैलेंस तरीके से एयर फ्लो नीचे की तरफ फेंका जाए ताकि जहाज ऊपर की तरफ उड़े लेकिन उसमें फ्यूल बर्न अच्छा खासा होता है दैट्स द रीजन हवरिंग सिर्फ लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल होती है जिन भी जहाजों में आज के लिए है मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दी इसके अलावा कोई प्रोटोटाइप बेस्ड रशियन थे लेकिन दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन अब वापस आते हैं कि हेलीकॉप्टर्स का फायदा क्या होता है जो हेलीकॉप्टर्स हैं गनशिप हेलीकॉप्टर्स इनके दो मेन रोल्स हैं और पहला जो रोल है वो है ग्राउंड सपोर्ट क्लोज ग्राउंड सपोर्ट जहाँ पे आपके एनिमीज़ ऐसी पोजीशन में बैठे हों कि आपकी जो कंपनी प्लेटून जो फंसी हुई है उसको बचाने के लिए उसको असिस्ट करने के लिए ये जहाँ हेलीकॉप्टर्स ऊपर से आते हैं खड़े होते हैं और खड़े खड़े तबाही मचाते हैं एटलीस्ट दिस वॉज द रोल जो कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ये चीज़ अचीव की जाती थी uh, फिर ही आहिस्ता आहिस्ता इसका रोल बढ़ता गया और इसको यूज़ करते गए हम लोग लाइक नॉट आहिस्त आहस्त बट लाइक like, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया ये टैंक हंटिंग के लिए मतलब हेल्थायर मिसाइल्स की अगर एग्ज़ाम्पल ये जो अमेरिकन अपाचीज के अंदर लगे हुए हैं इस तरह के और मिसाइल्स और के मुल्क भी बनाते हैं लेकिन हेल्थायर अगेन जो अमेरिका की चीज़ है वो कॉइन है वो बिकता है इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि जी हीट सीकिंग एंटी टैंक uh, मिसाइल्स और उसके फिर पूरी जैसे कहते हैं ना पायलॉन भर के ऊपर आपने पूरा एक गुच्छा लगाया और वो बार बार आप हिट कर रहे हो तो टैंक किलिंग कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी थी बट जिस तरह एक टेक्नोलॉजी आती है तो उसके काउंटर में भी टेक्नोलॉजी आती है तो व्हेन वी एनालाइज द अफगान वॉर जो अफगान सोवियत वॉर हुई थी उस वॉर के अंदर द मोमेंट स्टिंगर मिजाइल्स केम इन प्ले जो पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ने प्रोवाइड किए थे मुजाहिदीन को तो आ, जो भी उस टाइम पे जो डोमिनेंस थी एयर की मतलब किसी भी जगह पे जाके हवा में खड़े हो जाना टारगेट्स को ढूंढना आपके ऊपर कोई गोली ना लग रही हो आप चार पाँच हजार छ हजार मीटर्स या तकरीबन कोई पंद्रह से बीस हजार फुट की बुलंदी से आप टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके मार रहे हो वो चीज खत्म हो गई क्योंकि जमीन से एक बंदे ने मैन पैड उठाया आसमान की तरफ लॉक लगाया शूट किया वो मिसाइल जो निकला वो एक ब्लाइंड आरपीजी रॉकेट नहीं था बल्कि उसके आगे सेंसर्स लगे हुए थे वो हीट को सीख करता था एनिमी एयरक्राफ्ट या जो जो हमारे जो हेलीकॉप्टर है और उसके इंजन के एग्जॉस्ट को जाके हिट करता था और आगे से जहाज गिर के तबाह सो जो टाइड ऑफ वॉर थी सोवियत अफगान वॉर की वो इस हेलीकॉप्टर्स को तबाह करके हमने बदली थी लेकिन स्टिल काउंटर मेजर्स आए और हर जिस तरह मैंने कहा ना हर टेक्नोलॉजी को ख़त्म करने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी आती है तो आपके एयरक्राफ्ट में भी काउंटर मेजर्स होते हैं जो शेफ्स एंड फ्लेयर्स का कॉन्सेप्ट है जो आग के गोले छोड़ना शुरू कर देते हैं जहाज इस तरह हेलीकॉप्टर्स में भी ये चीज़ आई और काफ़ी हद तक इसको मिनिमाइज करने के लिए मनी और काफ़ी चीज़ें की गई अभी उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे लेकिन आ, पहले से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आई एम नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ हेलीकॉप्टर्स राइट नाउ और उसकी वजह मैं बताऊंगा बिकॉज वी हैव समथिंग बेटर कमिंग इन आवर स्टोरेज इन आवर इन्वेंट्री सो यस लेट्स हेड बैक अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने कब लिए पाकिस्तान ने जी 1980s की दहाई में आ, एज, ए, ये कोबरा हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से उठाया ये दुनिया के फर्स्ट अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स में इनका शुमार किया जाता है फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें और फिर इसको अपडेट करते करते आ, अमेरिका फिर अपने पास अमेरिका की जो इन्वेंट्री है उसमें फिर अपाचीज आए जो अमेरिका ने आ, आ, आगे ब्रिटेन को भी बेचे फिर वो वेस्ट लैंड उसके साथ आके बेसिकली शामिल हो गई फिर इसी तरह आगे, आगे आप देखें तो इस वक्त जो दुनिया का टॉप का जो हेलीकॉप्टर है जिसमें स्टेल्थ फीचर्स को लगाया गया है वो अमेरिकन को मानची है आ, अब इसकी शेप से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि ये आ, इसको बनाया इस तरीके से गया है कि जितना भी रेडार वेव्स इसको इसको हिट करती हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं रिफ्लेक्ट नहीं होती और मैंने अपनी जो एफ ट्वेंटी टू रेप्टर सॉरी जे ट्वेंटी एंड एफ ट्वेंटी टू जिसका पूरी कंपैरिजन की जो वीडियो बनाई हुई है मैं काम करूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो में भी अगर आप जाके देखें तो मैंने फुल ये कॉन्सेप्ट स्टेल्थ का समझाया हुआ है तो इसको स्टेल्थ बनाया इसके ऊपर रैम कोटिंग्स की गई रेडार एब्जॉर्बमेंट मटीरियल के अगर कोई वेव फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्लेक्शन 100% परसेंट नहीं है और कुछ वेव्स स्टिल वापस जा सकती हैं जिसको रेडार कैच करके एक्चुअल लोके, लोकेशन मालूम कर सके थ्री लोकेशन मालूम कर सके कि कितने किलोमीटर दूर कितनी एलिवेशन पे किस पॉइंट पे ये टारगेट मौजूद है इस चीज़ से बचने के लिए जो भी वेव्स वापस जाएँ उस उसको एक और तरीका होता है रैम एक तो आपने शेप स्टेल्थी बना दी फिर आपने उसके ऊपर रेडार एब्जॉर्बमेंट मटेरियल लगा दिया ताकि वो और भी एब्जॉर्ब हो तो कोमांची में इन्होंने ये सब कुछ भी किया इवन इसके पीछे का जो पीछे टेल पे जो पंखा लगा हुआ है उसको भी इन्होंने एक एक किस्म की इनगल्फिंग एक 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 स्ट्रक्चर में क्लोज किया हुआ है ताकि उसको भी एक खास एंगल से अगर कोई रेडार हिट कर रहा है तो उससे कम से कम रिफ्लेक्शन हो वेव्स की Uh, कोमांची कर दिए जो कि आपके uh, कोबरा के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है इन्होंने वो भी अंदर करके और बड़ा स्मार्ट सा बड़ा खूबसूरत पैकेज बना दिया लेकिन अगेन अभी वीडियो के मिट्टी आपको समझ आ जाएगी कि क्यों मैं इसका अब कोई फैन नहीं, हूं, नहीं रहा एंड

पीस डील्स के थ्रू हमने कुछ अपने जो रोके हुए सिक्सटी थे वो भी लिए तो साथ में हमने अपने जो कोबरा हेलीकॉप्टर्स थे इनकी भी हमने अपग्रेडेशन करवाई 50 यूनिट है कुछ और ख़रीदे भी थे और फिर इनको हमने अपग्रेड करके हेल्पायर जो मिसाइल्स हैं वो लगाना चाह रहे थे वो रह गए लेकिन बाकी हमने इसके अंदर काफ़ी अपग्रेडेशन की आपके जो भी हमारी केपी में जो ऑपरेशंस हुए थे उन ऑपरेशंस के अंदर इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया गया था आजकल के, के दौर में अब जब हम देखते हैं तो 1985 से लेकर 2021 तक अच्छे खासे डेकेड्स गुजर चुके हैं और काफ़ी आपके हेलीकॉप्टर्स को अब जिसे कहते हैं ना स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स एंड मिड लाइफ अपग्रेड्स एंड ओवर हॉलिंग की जरूरत पड़ती है एयरक्राफ्ट है हर चीज़ की उम्र होती है इसकी भी उम्र है अमेरिका उसके साथ लांजे डाल रहा था पाकिस्तान को मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था एम टॉकिंग अबाउट 2004 एंड उस टाइम पे हम लोग जब पढ़ते थे तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते थे यार किसी तरह हम यूरोकॉप्टर ले लें और यूरोकॉप्टर जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है यूरो जिस यूरो फाइटर है जिस यूरोकॉप्टर है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका फेम था उसके अंदर इसके सिस्टम्स अनलाइक अदर जो इलेक्ट्रॉपिकल सिस्टम जो आगे बड़ा सा डोम होता है इसमें डिफरेंट साइड्स पे लगाए हुए फ्रंट पे आप देखें नोस पे दो डिफरेंट साइड पे इलेक्ट्रॉपिकल सिस्टम है एंड थ्रू डेटा फ्यूजन पिक्चर जो मिलती है एम पे या जो भी स्क्रीन है आ, इवन हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस हो गए वो एक कंबाइंड आपको पिक्चर पायलट को प्रोवाइड की जाती है रियल टाइम में तो ये बड़ा सेक्सी किस्म का हेलीकॉप्टर समझा जाता था इसको वुल्फ भी कहते थे मुझे पसंद नहीं था <laughs> मुझे कोबरा की शेप अच्छी लगती थी बिकॉज इट्स वेरी इट्स वेरी यू नो डेडली फीलिंग उसकी खतरनाक आती थी बच्चे थे ना तो शेप पे जाते थे अमाल पे नहीं जाते थे अच्छा आगे चलते हैं uh, दूसरा जो था वो अगस्टा मंगूस्टा का uh, 129 जो अटैक हेलीकॉप्टर है फिर इसको आगे टर्किश uh, एयरोनोटिकल इंडस्ट्रीज ने इसका लाइसेंस प्रोडक्शन ली और ये टी 129 हो गया हेलीकॉप्टर भी बहुत फेमस बिकॉज ये आपको आ, इसमें थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत यूरोकॉप्टर की फील आती है थोड़ी बहुत आपको इसमें रशियन फील भी आती है जो डिजाइन को देखें इसमें अमेरिकन फील थोड़ी कम है लेकिन ये काफी मतलब रशियन फील इन सेंस कि अगर आपने हाइंड को देखा हो आ, जो कि बेसिकली रशिया का हेलीकॉप्टर है हाइंड से मुराद वो एम आई ट्वेंटी फोर हेलीकॉप्टर जो कि अफगान वॉर में यूज हुआ और अभी पाकिस्तान उसको इसका एक अपडेटेड वर्जन 35, M3, जो हमने चार खरीदे थे वो लिए हुए ये एक मल्टी रोल किस्म के हेलीकॉप्टर है इसकी डिटेल में नहीं जाते तो हाइंड को देखें तो उसमें भी अगला बंदा जो आगे जो आपका पायलट है उसके बाद पीछे को पायलट वो एक एलिवेटेड पोजिशन में मतलब अगला पायलट जो है वो फ्रंट पायलट जो मेन ड्राइव कर रहा है ये फ्लाई कर रहे है वो आगे जो बैठा हुआ है तो जो पीछे जो पायलट है वो उससे काफी एलिवेटेड पोजीशन में बिकॉज देन उसका काम यूजुअली होता था कि वो टारगेट्स को इंगेज करे आइडेंटिफाई करे तो सेम सॉर्ट ऑफ पोजीशनिंग आपके आ, अगस्टा के हेलीकॉप्टर में भी आ, की गई थी अब टी वन अटैक हेलीकॉप्टर जब तुर्की के पास इसकी लाइसेंस प्रोडक्शन आई तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी अमेरिका से इश्यूज आ रहे हैं हमेशा से ही रहे हैं उनका तो अलाइंस ही यही है कि अपने एलआई को ज्यादा खराब करो उसको कभी पैसे बंद कर दो कभी टेक्नोलॉजी बंद कर दो उसको हमेशा इस पोजिशन में रखो कि वो आपकी बात माने और अगर ना माने तो दुश्मन पे अटैक करने के लिए मतलब uh, sort of like हाउंड के ऊपर छोड़ दिया जाए लीविंग यू टू कि मेरी बात मानोगे तो खाना भी मिलेगा यू नो एवरीबडी नोज अबाउट दिस सो उनकी ये पॉलिसी एंड वी तो हम लोग टी वन की तरफ गए प्रॉब्लम ये आई कि उसका इंजन वज ऑफ अमेरिकन औरजन एंड ड्यू टू ट्रेड एम्बार्गोज एंड अदर जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी जब दोबारा से हमारे हालात ख़राब हुए पोस्ट मुशरफ या डूरिंग दशरफर बट एट दी एंड ऑफ हिस करियर जब आ, हालात ख़राब होना शुरू हुए तो फिर दोबारा से पाबंदी एंड ऑल दैट क्रैप जो पाकिस्तान ने फेस किया तो आ, जब हम लोग इस डील की तरफ गए तो इन्होंने पकड़ के इसको भी डाल दिया उसके अंदर भाई जान हम तो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को आप बेचना चाह रहे हो बट इंजन जो है ये तो हमारा है तो हम तो इसको अलाउ नहीं करेंगे तो अगर आपने बेचना है तो अपना इंजन लेके आओ या कोई और इंजन लिस्ट में डालो अब प्रॉब्लम ये है कि जहाज जो इतने बड़े मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट साइज में से बहुत बड़े होते हैं उसमें भी अगर इंजन का इशू आ जाए तो उसको रिजॉल्व करने में ज़माने लग जाते हैं हेलीकॉप्टर के इंजन उतने से छोटे हैं जितनी टेक्नोलॉजी छोटी होती है उतनी वो ज़्यादा डेलिकेट होती है तो इट बिकेम ऑलमोस्ट अनरियल फॉर अस कि हम इन हेलीकॉप्टर्स को जो टाइम मीन हमें चाहिए जिस टाइम फ्रेम में हमें चाहिए हम उस टाइम फ्रेम के अंदर इसको अक्वायर कर सकें मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि दो साल के अंदर टर्की जो है वो इसका इंजन भी बना ले डू रिमेंबर टर्की के जितने ड्रोन्स है सब कुछ है ये इंजन टेक्नोलॉजी के लिए वो दूसरे वेंडर्स के पास जाते हैं आजकल का दौर वो नहीं रहा कि जी एक ही मुल्क सब कुछ बना रहा है Uh, सारी दुनिया मिलकर बनाती है डिजाइन आपका होता है लेकिन पार्ट्स आप दुनिया से खरीदते हैं जिस तरह हमारे जे सेवनटीन पे एसिलान uh, का पार्ट लगा है, जो एक टर्किश कंपनी है इस तरह सीट uh, जो है हमारी मेरे ख्याल से मार्टिन बेकर है कौन सी कंपनी है जो ब्रिटिश uh, औरजिन की है तो आप अपनी मर्जी के डिफरेंट uh, वेंडर uh, से ऑफ द शेल सोल्यूशन उठाते हैं और फिर आप उनको लेके आते हैं ताकि आपकी अल्टीमेट uh, डिजाइन uh, 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 है वो आपके पास रहे आप टाइम में उस चीज़ को फिनिश अप करें अब गेम ये हो गई कि हमारे लिए इसकी एक्विजिशन भी मुश्किल हो गई लेकिन हमारे इस पास साथ में Z10 जो चाइनीज़ हेलीकॉप्टर है इसका भी एक ऑप्शन मौजूद था लेकिन उस टाइम पे जब इसको रिजेक्ट किया गया था उसके जो रीजंस हमें जो हमें सुनने में आए वो ये थे कि पाकिस्तान को इसकी इंजन पावर से थोड़ा सा इशू था तो जो जेट एन एम ई है उसकी इंजन पावर इज लाइक अबिट मोर कोई 1200 सो किलो वॉट का इंजन है पहले कोई हजार के करीब था कि 930 950 था कोई इस किस्म की चीज थी तो इंजन पावर इसमें हमें ज्यादा वापस दे दी चाइनीज ने उसको आगे किया आ, कुछ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की गई चाइना अपने हेलीकॉप्टर्स पे बहुत पहले से काम कर रहा था चाइना का मुझे याद है कि एक तरफ जब को था तो चाइनीज उस टाइम पे ब्रैक करते थे कि हमारे पास हारबिन जेड नाइनटीन भी मौजूद है और वो उसमें भी आप पीछे पंखे को देखें ये तो वो भी जो है है एक मेटल फ्रेम के अंदर ताकि उसके अंदर स्टेल्थ फीचर्स आए लेकिन ये एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर था उसके अंदर इसका मेन फंक्शन अटैक एंड था इट समथिंग जो कि कहना मीडियम टू हैवी हेलीकॉप्टर को मांची या अपाची के लेवल की कोई चीज हो बट इट वॉज अ वेरी डिसेंट अटेम्प्ट इसी तरह फिर जो लेकिन जो चाइनीज का जो मेन जिसे आप कहें जोरदार किस्म का मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर घनचिप हेलीकॉप्टर दैट बिकेम द दिस अब चाइनीज़ कभी भी इस चीज़ को समझें कि चाइना इवॉल्व कर चाइना ने इवॉल्व किया है रशियन एंड सोवियत जो साइकोलॉजी थी जो उनकी वॉर फिलोसफी थी कि नंबर्स की गेम पर जाओ और जाके फटो इससे चाइना ने इवॉल्व किया है क्वालिटी ऑफ वॉर की तरफ ताकि लो कॉस्ट आए वॉर के ऊपर ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस हो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपकी वेपन्स हो तो हेलीकॉप्टर तो उन्होंने अच्छा बना लिया था लेकिन उसमें इक्विपमेंट इतने काम की मौजूद नहीं थी डेट वाज वन ऑफ द रीजंस पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट किया था ट्रायल्स के बाद लेकिन जब अब जब दोबारा पाकिस्तान जा रहा है जो उसके अपग्रेडेड जेट एम जो वर्जन 2018 में रिवील किया गया था उसमें एक्टिव एंड पैसिव काउंटर मेजर्स एक्टिव काउंटर मेजर्स लाइक जो जहाज के अंदर बोला जाता है इसका मेन काम यह होता है कि जिस भी डायरेक्शन से मिसाइल आपको हिट करने वाला आपको डायरेक्शन एंड जगह बताई जाती है फिर आप उसके हिसाब से मीनवर करते हैं और रेड आर वार्निंग सिस्टम को जो आर डब्ल्यू आर अक्सर लोग इसको यूज करते हैं इसका मेन काम यह होता है कि आपको ये बताना शुरू करते हैं कि भाई जान यू आर गेटिंग ट्रैक अपनी बीपिंग होती है जिससे Uh, आपको ट्रैकिंग की uh, डिस्टेंस हो गया या उसकी इंटेंसिटी हो गई उसके बारे में मालूम मिलना शुरू हो जाती हैं तो ये सारे सेंसर्स और ये रिसीवर जी इसके अंदर इन्होंने लगाना शुरू कर दिए थे इसकी इंजन पावर को बढ़ाया फिर इसके अंदर इन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स डालना शुरू की एंड मैं इतनी इस डिटेल में इसने नहीं जाऊंगा क्योंकि फैन ऑफ इट एंड उसका बड़ा वाइबल रीजन भी आपको अभी बता दूंगा देन आपको भी समझ आ जाएगी कि इसका रोल बहुत मिनिमम हो गया है आजकल की वॉरफेयर में दैट्स वन ऑफ द कि पाकिस्तान जो है 50 कोबरास के अगेंस्ट सिर्फ 30 नए हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहा है और क्वांटिटी रिड्यूस कर रहा है तो इस हेलीकॉप्टर में एयर टू एयर मिसल में चार या पी या पी या पी एल एयर टू एयर मिसल रख सकते हैं पी एल नाइन का एक वर्जन आपके एस डी टेन में भी लगता है और ये मतलब है। ये का काम करता है और ये शॉर्ट रेंज में जाता है तो basically ये एक ऐसा मिसाइल है जो कैटेगरी में इस पे सबसे बड़ा लगता है और ये आपका एक डब्ल्यूवीआर का मिसाइल है और इसका एक वर्जन आपके G17, थंडर में भी है। तो इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस की इन्होंने इसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज डाले डबल डबल फायर कंट्रोल सिस्टम्स डाले इसके अंदर तो टेक्नोलॉजिकली इन्होंने इसको काफ़ी मतलब जो एवियोनिक्स हैं वो बहुत इंप्रूव की क्योंकि पिछले अगर दो डेकेट्स को देखें तो चाइना का सारा फोकस इंजन टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड एवियोनिक्स के ऊपर है और साथ में रेडार भी जो हमने ऐसा uh, रेडार्स की कहानी बार बार आप लोगों को और वीडियोस में सुनाई है इसके अलावा एयर टू ग्राउंड मिसल्स भी इनके मौजूद हैं एच uh, जे uh, एट एच जे नाइन बक्तर शेकन जो हम यूज़ करते हैं तो वो एंटी टैंक ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और सबसे मजे की जो चीज़ है कि जब डॉग फाइट्स होती हैं एक जो जहाज़ों की डॉग फाइट होती है इसी तरह हेलीकॉप्टर्स की भी डॉग फाइट्स होती हैं जो इतनी कभी आपने नोटिस नहीं की होंगी लेकिन दे आर देयर द दिना इज़ देयर तो डॉग फाइट्स के लिए फिर आपको एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाने के बजाय छोटे छोटे सोलह टी वाई नाइनटी एयर टू एयर मिसल जो कि स्पेसिफिकली बनाए गए हैं एयर टू एयर डॉग फाइट्स बिटवीन हेलीकॉप्टर्स ये मैन पैड के मिसल नहीं है ये लाइक मैन पैड से मुराद अनजा बख्तर शिकन या इस तरह की ऐसे के ऐसे मिसल जो कि एक बंदा कंधे पे डाल के एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड के लिए यूज करे ये साइज में छोटे होते हैं इनका अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और ये सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर टू तो हेलीकॉप्टर वॉरफेयर के लिए बनाए गए हैं वो भी इसके अंदर लगते हैं एवियोनिक्स भी इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त लगाई गई हैं आ, इसी तरह चाइनीज़ ने जो एक इसमें एक और ज़बरदस्त साइड पे वो लोग गए हैं इसके फीचर्स में इन्होंने ग्रेफीन बेस्ड आर्मर पैनल्स को इस्तेमाल किया जो कि जब आप कॉम्पोजिट मटेरियल्स की गेम में जाते हैं तो ग्राफीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसके अंदर इम्पैक्ट को रोकने की किसी भी प्रोजेक्टाइल के इम्पैक्ट को रोकने की बहुत स्ट्रेंथ मौजूद है लाइक like ये पतली सी हंड्रेड नैनोमीटर वन हंड्रेड नैनोमीटर नॉट मिली मिली से भी नीचे जाए एक सेंटीमीटर है मिलीमीटर है नैनोमीटर की बात हो रही है नैनोमीटर का जो जो कि की शीट होती है वो छोटी छोटी बुलेट्स रोक लेती है यानी श्रापनेल्स ऑफ अ बुलेट जो उसके टुकड़े होते हैं उसको भी रोक सकता है तो जब हेलीकॉप्टर के आर्मर्ड पैनल्स में ग्राफीन का इस्तेमाल किया गया है देन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नैनोमीटर्स वी माइट टॉकिंग अबाउट नैनोमीटर इवन तो इस किस्म का इसको इन्होंने पैनल आ, आ, आर्मर पैनलिंग इसकी आपने की है ये चाइनीज ने कि गोलियां या या इस किस्म के किसी कोई लगे तो इसकी बॉडी महफूज रहे तो ये किस्म का सुपर स्ट्रक्चर देने की भी कोशिश की गई है विच इज न्यू व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न एयरक्राफ्ट इसके अलावा ज्यादा एम्यूनेशन इसमें डाली गई है इन लोगों ने जैमर्स का इस्तेमाल किया है आई एफ एफ इंटरोगेटर जिसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर uh, में पायलट के सामने स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि भाई मैप में यह आपका दोस्त है ये आपका दुश्मन है आपको खुद ही पता होता है आपका मिसाइल भी दोस्त दुश्मन में तफरीक कर सकता है अगर उसके अंदर आई एफ एफ की कैपेबिलिटीज आपने डाली हो तो

कोई टाइप से लॉन्च किया जाए या किसी भी इस तरह के आ, आ, किसी भी मुल्क के ऑरिजन के सिस्टम से तो वो उसको दुशारी हो हीट को ट्रैक करने में तो ओवरऑल बहुत ज्यादा इन लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है इसको मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए बात वहीं पे आ जाती है कि इतने मतलब मैंने आपको भी इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले बताया मैंने इसमें नाइट विजन की बात शायद नहीं की नाइट विजन इसके अंदर मौजूद है ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है दीज आर मोर लेस द सेम थिंग्स जो कि आपके और हेलीकॉप्टर्स में भी मौजूद हैं थोड़े एडवांस वर्जन हो सकते हैं थोड़े अच्छे सेंसर्स हो सकते हैं थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी रेट हो सकता है थोड़ी ज्यादा रेंज हो सकती है बहुत फर्क आता है कोई 280 एटी किलोमीटर्स पे उड़ता है कोई 350 हंड्रेड एंड किलोमीटर्स पे उड़ता है I'm I'm, I'm मतलब जो मैं बात उसमें ये सारे आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा फैक्टर आजकल के मॉडर्न बैटल फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है रोल किलर फॉर एन एक्टिव गनशिप हेलीकॉप्टर जो एक्टिव गनशिप हेलीकॉप्टर का रोल इतनी सही तरीके से खत्म करता है कि Uh, इसको इंट्रोड्यूस करना आपके लिए बहुत कॉस्टली बन जाता है अब मैं बात कर रहा हूँ आर्म्ड ड्रोन्स की जो ड्रोन वॉरफेयर है वो इतना एडवांस हो गया उसके इतने फ़वाद हैं कि उसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स का रोल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया है दैट इज़ वन ऑफ द रीजन वाई पाकिस्तान इज़ नॉट स्ट्राइविंग वेरी हार्ड एंड प्लेंग द डिप्लोमेटिक कार्ड्स कुछ नहीं कर रहा गम नहीं कर रहा स्लो स्लो लगा हुआ है क्यों क्योंकि तो पाकिस्तान अकिंची uh, और टीबी टू ड्रोन की तरफ चला गया है और इसके अलावा भी हम, हम मैं, ड्रोन की ड्रोन्स के ऊपर मेरी पूरी वीडियो है मैं उसका भी एक लिंक इसमें पेस्ट करूंगा लेकिन मैं उससे कुछ काम की बातें एंड कंपेरिजन इस वीडियो में डालूंगा एंड अब मुझे थोड़े से नंबर डिफाइन करने होंगे बिकॉज मैं नंबर्स पे बातें नहीं करता मैं स्ट्रेटेजी पर बात करता हूँ बट इन ऑर्डर टू किल एन आइडिया ऑफ एन अटैक हेलीकॉप्टर फॉर फॉर वंस एंड ऑल आई हैव टू टॉक नंबर्स और विदाउट नंबर्स आपको समझ नहीं आएगी फॉर एग्जाम्पल एक बैरक्टर ड्रोन जो टी बी टू ड्रोन नहीं बैरक्टर का अकिंची ड्रोन टी बी टू एक सेपरेट ड्रोन है अकिंची एक सेपरेट ड्रोन है अकिंची मेरे हिसाब से एक हैवी ड्रोन कैटेगरी में आता है उसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं उसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी हैं एंड इन ड्रोन ने पूरी वॉर डायनामिक्स बदल दी थी आपकी नागोनों का की जंग में जो कि

अरबों रुपए खरब नहीं खरबों रुपए तक बात चली गई थी तीन के चार खरब रुपए का लॉस दिया था उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से चालीस करोड़ पचास करोड़ एक तरफ और अरब नहीं खरब एक तरफ तो तीन चार खरब रुपए का लॉस दिया इक्विपमेंट तबाह किया ड्रोन ने क्या आर्मेनिया के पास हेलीकॉप्टर नहीं थे बिल्कुल थे लेकिन रोल खत्म हो गया कैसे खत्म हो गया कि ये ड्रोन बनता है एक से तीन मिलियन डॉलर में और आपका एक एवरेज जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो 15 से 25 मिलियन डॉलर्स के पास जाता है तो अगर आप एक मिलियन डॉलर्स का या दो मिलियन डॉलर्स का भी एक ड्रोन उठाते हैं तो भी 10 ड्रोन की कीमत में आपको सिर्फ एक हेलीकॉप्टर मिल रहा है और फर्क कितना है फर्क अब देखें अब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं जो स्पीड है अकेंच की वो मैक्सिमम स्पीड उसकी 361 किलोमीटर है और क्रूजिंग स्पीड जिसपे वो क्रूज़ करता है जो उसकी ऑप्टिमम फ़्लाइट स्पीड है वो है 240 किलोमीटर पर आवर तो मोर और लेस तकरीबन करीब करीब जा रहा है स्पीड में लेकिन फ़र्क किस जगह पे आ जाता है फ़र्क आ जाता है इसकी इंड्योरेंस में इसकी सर्विस सीलिंग में ऑपरेशनल एल्टीट्यूड में और रेंज में तो जो रेंज है जितने एरिया को ये कवर कर सकता है आपका आ, ये हेलीकॉप्टर मैं अब सिर्फ ये Z10 की बात करूंगा और इससे ही 20% परसेंट प्लस माइनस बाकी भी हेलीकॉप्टर्स की रेंजेस हैं दिस इज अराउंड 800 हंड्रेड किलोमीटर मैंने 550 भी देखे 600 भी देखे अपाचीज को मांचीज तो अराउंड 500-600 किलोमीटर का 800 किलोमीटर की रेंज है आपके हेलीकॉप्टर की इसके मुकाबले में जो ड्रोन है उसकी रेंज होती है अकिंची ड्रोन की जो रेंज होती है दैट इज साढ़े सात हजार किलोमीटर मतलब जो लेटेस्ट टेस्ट उन्होंने किया उसमें साढ़े सात हजार और सात किलोमीटर के एरिया को अच्छा लेकिन आपकी मतलब को आप कितनी देर हवा में रख सकते हैं बिफोर पुटिंग इट बैक मतलब ब्रिंगिंग इट बिफोर लैंडिंग इट डाउन एंड रिफ्यूलिंग इट और दोबारा से जी पायलट उसके अंदर बैठेगा और फिर वो उड़ेगा तो ये जो पूरा इस सब प्रोसेस से बचने के लिए एयर टाइम इसका कितना है तो इसका है तीन घंटे ये टी वन की बात कर रहा हूं तो 20% प्लस माइनस कर दें तो ढाई घंटे से लेकर साढ़े तीन घंटे के बीच में जेट का भी टाइम होगा क्योंकि अगेन ये हेलीकॉप्टर एक दो, दोनों की शक्ल भी एक दूसरे से मिलती जुलती है इंजन आउटपुट परफॉर्मेंस आउटपुट भी एक दूसरे के करीब है तो बहुत भी फर्क हो गया तो 20% परसेंट प्लस ट्वेंटी परसेंट माइनस अब इसके मुकाबले में जब आप इंडियोरेंस देखते हैं एक ड्रोन की एक इंची ड्रोन की वो है जी अराउंड 25 घंटे कहा तीन घंटे कहा 25 घंटे अब आप कहेंगे कि यार 25 घंटे तो हैं लेकिन हेलीकॉप्टर उसको निशाना लगा लेगा पकड़ लेगा नॉट दैट ईजी अब आखिरी चीज तो ना कहें लेकिन वन लाइक अनदर अनदर मेजर पॉइंट जो पॉइंट लोग नहीं जिस जिस पे कंपैरिजन लोग नहीं कर रहे इस चीज़ का और मुझे नहीं समझ आ रही है कि इतने डिफेंस चैनल्स हैं एंड दे आर नॉट ब्रिंगिंग इन दिस टॉपिक कि जी ड्रोन्स किस तरह से इस चीज़ को किल कर रहे हैं वो ये है कि ऑपरेशनल एल्टीट्यूड या सर्विस सीलिंग इज एनी अराउंड तीस फुट चार से चालीस फुट

Uh, जो आपका टी वन टी नाइन है वो सिर्फ फुट है, तो वो ऑलरेडी पंद्रह हजार फुट पे रहा है, जो पाकिस्तान चाइना से ले रहा है वो इक्कीस हजार फुट पे ओढ़ा है तो जितनी uh, नीचे से आप मिजाइल हवा में ऊपर की तरफ जब शूट करेंगे तो फिर ग्रेविटी कम्स इन टू प्ले एज वेल और दूसरी तरफ जो मजे की बात है जो हमारा ड्रोन है वो ना जी इक्कीस हजार पे ना पंद्रह हजार पे वो तीस से चालीस हजार फुट की बुलंदी उड़ ओढ़ है पच्चीस घंटे ओढ़ रहा है मतलब ये चार चार पांच पांच दफा भी नहीं आठ दफ़ा भी एक हेलीकॉप्टर ज़मीन पे उतरेगा रिफ्यूल होगा फिर उड़ेगा, और दूसरी तरफ मुकाबले में ड्रोन हवा में उड़ता रहेगा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है ऑपरेटर ने चेंज करना है एक ऑपरेटर उठ के गया जाके सो गया ड्रोन खुद ही उड़ रहा है ख़ुद ही मॉनिटर कर रहा है तब तक दूसरा ऑपरेटर आके बैठा उसकी लैंडिंग उसकी फ्लाइंग ऑटोमेटिक है तो आई थिंक यू गाइज आर नाउ बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड कि जो वॉर डाइनेमिक्स हैं क्लोज ग्राउंड सपोर्ट एंड एंटी टैंक जो ऑपरेशन uh, है वो ने किस तरह से रेवोल्यूशन कर दिए किस तरह से चेंज करके रख दिए अब बात करते हैं कि जी रेड माउंटिंग सिस्टम और नाइट विजन ये सारी चीजें इट्स इट्स अ टेक्नोलॉजी जिसमें अमेरिका ने बहुत काम कर लिया कोमांची बना लिया स्ट्रेल्थ इंट्रोड्यूस कर ली लेकिन इसमें एक चीज का लॉस जो एक तो एक, एक तो आपको लॉस नजर आ रहा है कि जी इसकी परफॉर्मेंस इन हेलीकॉप्टर्स की उतनी ज्यादा नहीं है जब ड्रोन की परफॉर्मेंस को देखा जाता है दूसरी चीज यह है कि हेलीकॉप्टर के अंदर आपका एक फुली ट्रेन पायलट पायलट इज अ पायलट पायलट को आपने बहुत चीजें सिखानी होती है एक पायलट बनाने में बहुत खर्चा होता है वो आप रिस्क ले रहे हैं उसको एनिमी टेरिटरी में भेजने का क्योंकि uh, जो मैन पैड्स हो गए जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हो गए जो कि हीट सीकिंग होते हैं वो इनको आराम से हिट कर लेते हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है इनका जो आर होता है वो बड़ा होता है उसके मुकाबले में जो ड्रोन है फॉर एग्जाम्पल एक इंची इसका साइज तो बड़ा है या सिक्सटीन के करीब है लेकिन ये इतना स्लिम स्मार्ट इतना भी स्लिम एंड स्मार्ट बनाया गया है कि इसको डिटेक्ट करना इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी एट द क्रूजिंग स्पीड जिस जिसपे क्रूज कर रहा है इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी तो ज़्यादा स्टेलती है ड्रोन ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स लगे हुए हैं वो जमीन पे बैठे हुए 100 डेढ़ सौ सो, दो किलोमीटर दूर एक आराम से कमरे में पुरसकून अंदाज में बगैर जान की टेंशन लिए मतलब एक बंदा जिसको टेंशन ही नहीं है कि वो मर सकता है वो आराम से बैठा हुआ उड़ा रहा है और उसके पास चार से पांच स्क्रीन लगी हुई है कैमरे से लेके रेडार्स सब उसके एक्टिवेटेड है और वो दूर से इस हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रहा है मजे की बात इन किसी भी हेलीकॉप्टर के अंदर आपको रेडार्ज में ईसा रेडार का नाम आपने नहीं होगा बट आपके ड्रोन के अंदर आईसा एडार भी लगा हुआ है which means वो एक बहुत डिस्टेंस पे एक्टिवली मतलब अब वो ईसा एडार के लिए भी आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखनी होंगी वो भी मैंने जी ओ से सेवनटीन थंडर जी टेन सी ई इनकी वीडियोस के अंदर मैंने ईसर एडार के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है एज कंपेयर टू पैसा रेडार्स विच इज पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडरी रेडार्स तो ये बिल्कुल जनरेशनल लीव्स है एक जो है वो आप ऐसे कह सकते हैं आसान इस में जो सोनी एरिक्सन एक ज़माने में बनाता था पी सीरीज़ का टच स्क्रीन जो टच रेजिस्टेंस स्क्रीन होती थी और उसके मुकाबले में जब आईफोन आया तो वो एक और कैपेसिटिव टच स्क्रीन तो खैर सैमसंग लेके आया था लेकिन आईफोन की जो टच था वो उससे भी अपग्रेड लेवल का था तो वो आप उंगली लगाते थे वो व्रस्त करके जी आपकी उंगली को डिटेक्ट कर लेता था, था। टच रेजिस्टेंस में आप दबाते थे तो कितना बड़ा जनरेशनल लीप था इसी तरह जो आईसा और पैसा रेडार्ज हैं ये भी एक जनरेशनल लीप है तो उस ड्रोन में ऐसा रेडार लगा हुआ है जो J-17 ब्लॉक थ्री में लगा है जो J-10C E में लगा है जो F-17 F-18 सुपर हॉर्नेट्स हो गए रफेल्स हो गए उसका एक मॉडर्न छोटा सा वर्जन आपके ड्रोन में लगा हुआ है तो अच्छा इसके अलावा इससे हटके आठ हार्ड पॉइंट्स हैं ड्यूल रैक कॉन्फ़िगरेशन है तो आठ आठ पॉइंट्स के मतलब है जहाज़ों के इस इस ड्रोन के जो अकििंची ड्रोन की वीडियो बनती जा रही है इस अटेंथ तो कहीं और ही रह गया लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दिस ड्रोन बिकॉज इससे आपको अंदाजा होगा कि इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से रोल खत्म कर रहा है तो परों के नीचे दस सॉरी आठ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप इस जहा इस ड्रोन के नीचे मिसाइल्स लगा सकते हैं एयर टू ग्राउंड भी लगा सकते हैं एयर टू एयर भी लगा सकते हैं और इवन स्टैंड ऑफ वेपन्स भी लगा सकते हैं इसके अपने Uh, बनाए गए हैं जो की तरह कामाकाजी अटैक्स करते हैं शुरू किए कामाकाजी का मतलब है कि जी खुदकश ड्रोन्स खुद जाते हैं फटते हैं तो जो एक बम है उसकी भी पर निकल आए वो भी खुद ही फ्लाइंग कर रहा है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के थ्रू वो अपना टारगेट को आइडेंटिफाई करके क्रूज करते हुए आराम से उठते हुए जाके उसको हिट करेगा

और वो या एयर टू ग्राउंड के लिए उसमें उससे कम लगे हुए एयर टू एयर के लिए उससे भी कम है मतलब किसी जहाज को मारने के लिए अगर आप उसको लोड करते हैं विच इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि आप उसमें पी एल नाइन ई टाइप की मिसाइल्स लगाएंगे उसके मुकाबले में एक ड्रोन है जो उससे ज्यादा सस्ता है कितना सस्ता है वो एक से दो या तीन मिलियन डॉलर का बन जाता है वो दस एक तरफ मतलब दस ड्रोन और अस्सी फीसद सॉरी वन एंड हाफ कॉस्ट ऑफ हेलीकॉप्टर कहाँ पे दस कहाँ पे डेढ़ कहाँ पे बीस हज़ार पंद्रह हज़ार कहाँ पे तीस हज़ार चालीस हज़ार मैं बुलंदी की बात कहूँ जिसपे वो उड़ता है कहाँ पे छोटे रेडार्स जो कि इर्द गिर्द सिर्फ एक ख़ास एरिया को स्कैन करके टारगेट्स ढूंढते हैं कहाँ पे ऐसा रेडार जो चालीस हज़ार के फुट की बुलंदी से एरिया टू तो एयर टारगेट्स को मॉडर्न तरीके से हंट कर रहा होता है तो बहुत ही क्वालिटी का अपग्रेड है अकििंची ड्रोन और बहुत ज़्यादा केपेबिलिटी बढ़ा देता है कोई आपका पायलट को जिंदगी मौत की टेंशन नहीं होती इमोशनल जो प्रेशर्स होते हैं उससे दूर हो होके वो जंग कर सकता है दूसरी तरफ पायलट को अपनी जिंदगी के भी खतरा क्योंकि साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आता है जो आप अपने फाइटर पायलट को ट्रेन करते हैं तो उसमें आपका ज्यादा खुआारी इस चीज पे होती है कि उसको बता ये सिखाया जाए कि द मोमेंट यू गेट इन टू कॉम तुमने अपनी बीवी का नहीं सोचना तुमने अपने बच्चे का नहीं सोचना तो जो अक्सर कहते हैं ना हमें मुल्क और काम का वकार मुल्क और काम का वकार भी नहीं सोचना होता उस वक्त ये सोचना होता है कि दिस इज माई टारगेट एंड आई हैव टू एक्ट लाइक अ मशीन मैंने मशीन की तरह कैलकुलेशन दिमाग में करनी है मैंने बिल्कुल मशीन की तरह ऑपरेट करना है मैं और मेरा जहाज एक है और हमने अपने एनिमी को किस तरह से किल करना है ये मैंटेलिटी डालने के लिए लाखों रुपए लगाए जाते हैं कितने फ्लाइट आवर्स होते हैं कितनी एक्सरसाइज होते हैं और इस मैंटेलिटी को आ, की जरूरत ही नहीं पड़ती जब आप बैठे ही नहीं फिजिकली जहाज में आप रिमोट कंट्रोल्स उसको 200 किलोमीटर दूर से चालीस हज़ार फुट की बुलंदी पर उड़ा के दुश्मन के हेलीकॉप्टर को उठा उठा करके मार रहे हैं इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैं और लाइक समझाना इज़ गोइंग टू बी ओवर सैचुरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सो ऑलो देट एन एमी इज़ कमिंग और लोग जो ये uh, मुजना कर रहे थे कि यार हमें कुछ मिलता नहीं है तो हम चाइना की तरफ चले जाते हैं बेशक इसमें कोई शक नहीं है हमने चाइना की इंडस्ट्री को उठाने में बहुत रोल प्ले किया है हमने ऑब्जेक्टिव्स उनके सामने रखे हैं हमने उनको मॉडर्न वॉर फिलोसफी से आशना किया है और उन जालिम के बच्चों ने 20 साल के अंदर अंदर अपनी वेपनरी सिस्टम से लेके अपने रेडार से लेके अपनी अपने से लेके स्टेल से एक एक चीज पे काम किया दैट्स वाई पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप जे सेवनटीन थंडर से चीज़ें बनी जे टेन सी ई में जाकर ऑपरेट हुई और फिर मतलब 2006 से वो चीज़ हमें ऑफर आई हुई थी हम लोगों ने 2021 में जाके खरीदा क्या हमारे इसके दौरान इंडिया के साथ जंग के चैलेंजेस ये खतरा नहीं थे बिल्कुल थे क्यों नहीं थे कितनी दफा हम क्लोज क्लोज टू अदर आए ऑपरेशन स्विफ्ट टोट हमारा हुआ हम एक दूसरे के नेक पे बैठे होते थे लेकिन हमने टाइम दिया चाइनीज इंडस्ट्री को इवॉल्व होने का एंड व्हेन दे वर एबल टू प्रोड्यूस समथिंग दैट वाज गुड इनफ दैट वाज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टैंडर्ड देन वी वेंट आउट वेंट ऑफ ट्रेड और स्पीड में हमने उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया सो so, बेशक चाइना के पहले वैसे नहीं थे जैसे आज वो हैं, लेकिन स्टिल ना चाइना ने इस पे बहुत इन्वेस्ट करना है ना पाकिस्तान इन्वेस्ट करना है। जो भी पाकिस्तान आर्मी की है, उसके जो मैं देख रहा हूं तो 50 से 30 की तरफ आ गए कोई, कोई नजर आ रहा है कि ये लोकली हेलीकॉप्टर के डिजाइन पे काम करेंगे सेपरेट थिंग वो तो ट्रांसपोर्ट का, का काम करता है लेकिन अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर पर काम करें उस पर रिसोर्स लगाएं जिसको पूरा रोल ड्रोन ने ख़त्म कर दिया है एक ड्रोन दस हेलीकॉप्टर्स गिरा के बेख निकाल देगा इकोनॉमी की भी कॉस्ट ऑफ वॉर रिड्यूस कर दी है एफिशिएंसी एंड दुश्मन को डैमेज जो है टेन टाइम्स क्या हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड फोल्ड्स बढ़ा दिया है आर्मेनिया का की जंग आपके सामने है आर्मेनिया और सॉरी आर्मेनिया अजरबैजान की नागोनो का की जंग सो so, जब इन सब चीजों को आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि दिस इज जस्ट फॉर मी इट्स खानापुरी जब तक आर्मी प्रॉपरली को अपने पास एसोसिएट नहीं करती एयरफोर्स से हटके जब ड्रोन आ जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम शायद हम लोग दोबारा खरीदे भी ना इन, 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 इन हेलीकॉप्टर्स को आ, शायद नेवल परपजेस के लिए इस्तेमाल किया जाए गॉड नोसिस इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि नेवी से अब तक ड्रोन अभी मुझे नहीं पता कि क्या हिसाब होता है वी डोंट हैव एनी एयरक्राफ्ट कैरियर जहाँ से ड्रोन उठेगा हाँ अगर कोई हवरिंग ड्रोन्स बना लिए जाए इन फ्यूचर वो अलग गेम है तो लेट्स वट इन फ्यूचर बट देर इज़ नो नीड टू कम्पेयर टी वन ट्वेंटी नाइन की डील जेट एन एम ई की डील ये सिर्फ अपने नंबर्स को खाना पूरी करनी है इसका कोई फ्यूचर में रोल नहीं है ये करंट रोल जब तक निभाएंगे निभाएंगे उसके बाद वी आर गोइंग ऑल लाइक सारा हमारा फोकस ड्रोन टेक्नोलॉजी पे और सारा का सारा हमारा फोकस मॉडर्न नेटवर्क सेंटर्ड वॉरफ़ेयर सिस्टम्स पे है और मॉडर्न जो आपकी स्टैंड ऑफ वेपन्स हो गई इंटेलिजेंट स्मार्ट वेपन्स हो गई साइबर स्पेस वॉरफेयर हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स ये जितनी भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं हम इसकी तरफ जा चुके हैं और हमारा फ्यूचर भी इधर ही है सो लेट्स एंड दिस वीडियो होप यू गाइज लाइक इट थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अब तक इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा मोर देन लाइक इन लास्ट ट्वेंटी टू नेली एक लाख बीस हजार लोगों तक पहुंची है डेली व्यूज पागलों की तरह बढ़ रहे हैं uh, तो बहुत शुक्रिया सब चीजों का इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक से दो दिन बाद nice जी जी सलामैक